तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का कांवड़ यात्रा का ग्रुप वाला पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जीप फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड हो तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो बिना स्किप किए वीडियो फुल वॉच तो सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल लैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा open.plp फाइल, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस ऊपर की तरफ आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग इस पोस्टर को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर जब एक्सट्रैक्ट कर लोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आया। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कांवड़ यात्रा पोस्टर 2 PLP, तो इस पर आपको क्लिक करके ओपन एंड ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। और गाइस देख सकते हो कि इस पोस्टर में मैंने 6 फ्रेम को ऐड किया है। तो इस एक फ्रेम में मैंने अपना फोटो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर लगा कर रखा हुआ है। तो इस फोटो को सबसे पहले इस पर टाइप करना है और इसको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद गाइस आपको इस वाला ऑप्शन पर आना है, इनपुट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इनपुट पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अपना फ़ोटो चूज कर लेना है जहाँ कहीं भी है। तो मैं कुछ फ़ोटो को PNG बना कर रखा हूँ, तो मैं उस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस आप लोग को PNG फोटो नहीं बनाने आता है, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देखकर PNG फोटो बना सकते हो। तो चलो गाइस मैं ये वाला फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक सही का निशान मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर देखोगे कि एक बड़ा सा बिंदु मिलेगा, तो इस पर आपको टाइप करके इस फोटो को फ्रेम के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, जितना छोटा बड़ा रखना चाहते हो। तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर मैंने इस फोटो को इस फ्रेम में एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप इन सभी फ्रेम में आप अपना और अपने दोस्त का फोटो एडजस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद है। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।